गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज ब्रेकफास्ट में हमारे क्या बन रहा है। तो एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये लिए मैंने मीडियम साइज 5 आलू, और इनमें जो सामान डालती हूँ आप देखते जाइए। ये है गर्म मसाला, आधी चम्मच से थोड़ा कम है। ये है चाट मसाला, ये भी उतना ही है, आधी चम्मच से कम। और ये भी मतलब सेम ही है, आधी चम्मच से कम। आमचूर अब डालती हूँ, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और टेस्ट के अनुसार अपना नमक। और जो लेना है मुझे सौंठ, एक चम्मच सौंठ का पाउडर, अदरक का पाउडर मतलब। चलिए इसको करती हूँ मिक्स। देखिए मैंने 1.5 कप आटा लिया है, और 4 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, और थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है आटे को, और देखिए मिक्स हो गया है। ये एक मुट्ठी बन रही है, जब ये मुट्ठी बन जाए ऑयल डालकर तो समझ लीजिए ये परफेक्ट है। एक चम्मच मैं अजवाइन लेती हूँ, और इसको हाथों से क्रश करके इसमें डाल दूंगी। अब इसको मैं आटा लगा लेती हूँ, इसका डो बना लेती हूँ। और आप मैदा लेना चाहें तो मैदा ले सकते हैं, मैंने आटा लिया है क्योंकि आटा हेल्दी होता है। देखिए ये आटा लग चुका है, और आटा थोड़ा सख्ती ही लगाएं, सॉफ्ट ना लगाएं, तभी परफेक्ट रोल आएगा। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ ढककर, और थोड़ा सा आटा या मैदा ले लें, उसे घोल बना लें। चम्मच से बताऊंगी किस लिए बना रही हूँ, ये काम में आएगा। देखिए आटा हो गया मेरा ऐसा, अब तोड़ती हूँ इसमें से लोई। अब इसको मैं बेलती हूँ, खूब पतला बेलना है इसे, जितना बड़ा हो सके। लोई बना ली है, और इसके पूरे पे बेलना है, और पतला पतला बेलना है, मोटा नहीं। और आटा इसके लिए सख्त ही लगाएं, क्योंकि अगर लूज होगा आटा तो उससे अच्छे नहीं मिलेगा ये रोल। आलू के ये रोल बना लेती हूँ मैं, ऐसे ही मुझे बना लेने हैं सारे। अब ये थोड़ा सा इधर से काट लेना है, और एक रोल रखना है ऐसे।
ये आटा जो बच रहा है ये मैं काम में ले लूंगी। अब ये रोल बना के दिखाती हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा ये जो भिगो के रखा है ये लगाना है ताकि ये इस पे सेट हो जाए। और इधर भी ये देखो बन गया। ऐसे मैं सारे बना लेती हूँ। इसको सेट करना ना भूलें क्योंकि ये निकले नहीं। तो मैं देखिए ऑयल में डालती हूँ, डीप फ्राई करती हूँ। और आप बेक करना चाहें तो 180 डिग्री पे आप बेक भी कर सकते हैं ओवन में या फ्रायर में। और मैं आटे के ही बना रही हूँ, आप मैदा के बनाने चाहें तो मैदा के बना लें। थोड़ा स्लो मीडियम पे ही बनाएं। बनकर तैयार हैं और बताइए आपको ये कैसे लग रहे हैं। और आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करना, बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत सिंपल है बनाने में और खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना। थैंक यू।